नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, 27 साल के हरविंदर सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और जो एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। बता दें कि आज दिवाली का दिन है, परिवार खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े हादसे जो हैं वो हो रहे हैं। इस समय हम कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में खड़े हैं, जहां पर हरविंदर के सभी परिजन यहां पहुंचे हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कार में सवार था और सामने से तेज़ रफ्तार कैंटर आता है, जिसके बाद टक्कर के बाद इनकी मौत हो जाती है और परिजन यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, क्या नाम है और ये किस तरीके से हादसा हुआ? क्या नाम है सर आपका? सर, हरकीरत सिंह मेरा नाम है। कैसे हुआ पूरा हादसा? और मोनक पिंड दे कोल होया जी। कार दे विच आ रहा सी, अगो कैंटर नाल टक्कर हुई है। करनाल की ओर से कैंटर जा रहा था, ये मोनक की ओर से आ रहा। जी जी। और रहने वाले कहाँ के हैं? करनाल से ही हैं, शिव कॉलोनी से। हाँ जी, शिव कॉलोनी से। और कितने बजे के आसपास हादसा हुआ है? ये तकरीबन 6:45 के आसपास। 6:45 आज सुबह सुबह हुआ है या नहीं? रात को, कल रात, कल शाम को 6:00 के आसपास। कल शाम को 6:00। तो ये हरविंदर सिंह क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। तो दोस्तों, खेती बाड़ी का काम जो है वो हरविंदर सिंह किया करते थे। कुछ अन्य परिजन भी आप मौके पर देख सकते हैं। आप क्या लगते हैं हरविंदर जी के? साला ही। अच्छा, आपके साले साहब। तो आपको कैसे पता, कब पता लगा आपको? रात ही पता लगा ये। वो एम्बुलेंस वाले लेके आए हैं, वहाँ मौके पर था नहीं कोई, बाद में लेके आए, बाद में पता चला एक घंटे डेढ़ घंटे बाद। किसी काम से गए हुए थे हरविंदर? हाँ जी, वो काम ही था, ऐसे गए हुए थे रिश्तेदारी में। वापसी आते वक्त? हाँ जी। तो ये जो कैंटर वाला, कैंटर चालक है, वो फरार है वो? हाँ जी। और मतलब कैंटर को छोड़कर मौके पर भाग गया? हाँ जी, हाँ जी, भाग गया। कैंटर कब्जे में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिलहाल कैसे, अभी आगे पुलिस से हुई है बातचीत? कैसे अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए FIR करवाई है? FIR होगी जी, कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम के लिए सारा हो गया। तो बिल्कुल परिवार के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि दिवाली के त्यौहार पर तो लोग दो साल, एक तीन साल, चार साल की बच्ची, एक दो साल की है। माँ बाप के लिए तो बड़ा दो बच्ची हैं, छोटी 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 बच्ची हैं, दो छोटी छोटी बच्ची, एक 4 साल की, एक 2 साल की है, छोटी छोटी बच्चे हैं, बुढ़िया। कितने लोग हैं इनके परिवार में? इनके परिवार में ये 8 लोग हैं। दो ब्रादर हैं, माता है, पिता गुजर गए। हाँ जी, एक भाई हो, एक ब्रादर, दो भाई थे। ये बड़े थे, छोटे थे? ये छोटे थे, ये छोटे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आज दीपावली का त्यौहार है और हम कहीं ना कहीं हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि लोगों के घर में खुशियां आएं, लेकिन तभी हम लोगों से हमेशा, चाहे कोई भी वाहन चालक हो, हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस तरह से आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं, आप तरीके के साथ चलाएं। लगातार मर्चरी हाउस में रोज़ जो भी मामले आते हैं, उसमें से 10 में से 8 या 9 मामले सड़क हादसों के होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनदेखी होती है, तभी हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी वाहन चालक हो, चाहे वो दुपहिया वाहन चालक हो, चाहे वो कोई कार हो, चाहे कोई ट्रक हो, या कोई भी व्हीकल हो, आप उसे तरीके से चलाएँ, क्योंकि आपकी एक जो है नज़रअंदाजी जो है वो किसी की जान ले सकती है, आपकी भी जान ले सकती है। अभी फ़िलहाल जो मामले को जो है फ़िलहाल ज़रूर जो है वो दर्ज जो है वो किया जा रहा है। तो अभी जो आईयू हैं अभी कर रहे हैं सर मामला दर्ज वगैरह? हाँ, आईयू सब आए हुए हैं, मामला दर्ज उन्होंने रात कर दिया था, कर लिया, तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी से ये भी निवेदन करना चाहेंगे, आप अपनी व्हीकल्स को तरीके के साथ चलाएँ, कम रफ्तार पर चलाएं, क्योंकि कम रफ्तार पर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा कंट्रोल हो सकता है। SI श्री भगवान जी हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं पूरे मामले पर। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे ये मामले के बारे में? ये हादसा हुआ है, एक सड़क हादसा, क्या कुछ बताना है? ये भाई जी, कल शाम को हमारे पास कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से एक अननोन व्यक्ति का रुका गया था। ठीक है। हम वो रास्ते मारे थे भाई, गक्षिणा पास कोई कार का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। रास्ते में फिर उसका ससुर मिला हमारे को, मृतक का, पहले तो अननोन था इसका, फिर उसका ससुर मिला, उसने हमारे को दरखास्त दी, हमने कार्रवाई कर दी, पर्चा दर्ज करके 174 कार्रवाई करवाना रे, पोस्टमार्टम करवाया, लाश को वारसान के हवाला दे कर, जैसी कार्रवाई होगी वैसी। जो कैंटर चालक है वो फरार है। तो कैंटर जो है कब्जे में ले लिया? कैंटर कब्जे में ले लिया है, कार कब्जे में ले ली है, दोनों व्हीकल ठैक। रात ही 12:30 करीब हमने थाने में
बाहर रख दिए। तो अभी मौके पर ही पता चल पाया है किस गलती की वजह से, कैसे बता रहे हैं आमने सामने टक्कर हुई है, लेकिन कैसे हुआ है? गलती तो भाई ओवर स्पीड की है, वो मौके पर कोई होता तो बताते। जी जी जी, टक्कर आमने सामने की है। कोई सीसी कैमरे वगैरह भी? कोई वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं, जंगल में है, खेतों में है, मेन रास्ता है करनाल से गगशीना मेन रोड पर एक्सीडेंट हुआ, एचपी का पेट्रोल पंप हो उससे इधर स्टोंडी के पास, स्टोंडी के नज़दीक एक्सीडेंट हुआ। जी जी, तो 174 की कार्रवाई कर दी सर अभी? हाँ अभी तो 174 की कार्रवाई, लेकिन FIR दर्ज कर दी है ट्रक ड्राइवर के नाम, ड्राइवर के नाम जो है वो अननोन ड्राइवर है, गाड़ी का नंबर दे दिया, गाड़ी का नंबर दे दिया क्योंकि गाड़ी दोनों मौके पर खड़ी थी। जी जी जी, तो अभी फिलहाल जिस तरीके से हमारी बात हुई है, सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, अभी फिलहाल जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और सभी से भी निवेदन करना चाहेंगे आप अपनी व्हीकल्स को कम रफ्तार पर चलाएं, क्योंकि लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और रोज लगातार मर्ची हाउस में ऐसे ही सड़क हादसों को लेकर जो है कुछ आप भी कोई लोगों से अपील करना चाहेंगे? लोगों से मारी तो भाई जी हाथ जोड़ के ही प्रार्थना कि भाई सब अपने कम से कम अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की पालन करें, स्पीड कम चलाएं, एक दूसरे की हिफाजत करते रहे, अपने आप को बचाना चाहिए, स्पीड कम रखें। सर ये भी कहीं ना कहीं सत्य है कि 10 में से 8 मामले सड़क हादसों के आ रहे हैं? सड़क हादसों के ही हैं ज़्यादा, क्योंकि लोगों में जल्दबाजी ज़्यादा है, देख कर चलते नहीं, व्हीकलों में इतनी सेफ्टी तो है नहीं, बिल्कुल ना, इतने अच्छे रोड है हिंदुस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी हम देख भाई कम स्पीड में व्हीकल चलाओ, ध्यान से चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कम स्पीड लानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सड़कें भी हैं वो उसी तरीके की होती हैं, और अगर उसके ऊपर हम और गलती करते हैं तो फिर हमें उन हादसों का शिकार तो कहीं ना कहीं बनना ही पड़ता है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, उम्मीद करते हैं दीपावली के त्यौहार पर किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किसी ना किसी की होती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। आपसे अपील करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।